खबर लखनऊ से है, जहां पर बीजेपी के 7 राज्यसभा प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह करेंगे पर्चा दाखिल, अमरपाल मौर्य, नवीन जैन, तेजवीर सिंह करेंगे नामांकन, साधना सिंह और संगीता बलवंत भी पर्चा दाखिल करेंगी। आज विधान भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बीजेपी के सभी 7 प्रत्याशियों का जीतना तय माना जा रहा है। 15 फरवरी है नामांकन की आखिरी तारीख। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि आज सभी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो नामांकन दाखिल करेंगे। 7 लोगों का नाम जो है वो तय किया गया, जिसमें से बड़ी बात यह है कि 6 जो हैं वो नए नाम हैं। एक नाम सुधांशु त्रिवेदी का, जिन्हें फिर से राज्यसभा भेजा जा रहा है। इससे पहले भी वो राज्यसभा से ही सांसद रहे हैं और उन्हें फिर से राज्यसभा भेजा जा रहा है। लेकिन जो नाम है भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है हमारे और प्रदेश का जो शीर्ष नेतृत्व है, उनका आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मेरे ऐसे छोटे कार्यकर्ता को, जिसने भारतीय जनता पार्टी का 1980 में वार्ड अध्यक्ष बनकर, 89 में पार्षद, 95 में फिर पार्षद, 97 में डिप्टी मेयर और फिर भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों में रहकर और प्रदेश में मैं सहकोषाध्यक्ष रहा, तो एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े जिम्मेदारियों को लेते हुए मेयर और अब राज्यसभा की जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। तो मैं इस बात पर ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जहाँ देश के नागरिकों का स्वर्णिक काल है, इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी स्वर्णिक काल है। कि जैसे छोटे कार्यकर्ता को उन्होंने एक राज्यसभा में, उच्च सदन में भेजने का जो निर्णय किया है, इससे देश के कार्यकर्ता ले सकते हैं। जहां मैं एक बात और कहना चाहूँगा, उल्लेख करूँगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा छोटे से कार्यकर्ता, उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव जी को बनाया। तो ये नए नए जो एक तैयारी हो रही है, तो ये कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छे शुभ संकेत है। कार्यकर्ता लोकसभा की तैयारी के लिए अभी से जुट जाएं और नेतृत्व उन्हें देख रहा है आगे बढ़ाने के लिए। तो ये थे नवीन जैन, जो कहते कि किसी भी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकती है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक देश है और माना जाता है कि जो काम करता है, जिस तरीके से काम करता है, उस कार्यकर्ता की, हर एक कार्यकर्ता की यहाँ पे एक पहचान होती है, एक कहीं ना कहीं उसको एक पहचान देने काम करते हैं। एक छोटे से कार्यकर्ता से राज्यसभा तक का सफर तय किया है, इस पर कहना है नवीन जैन जी का। तो इसी तरीके से लगातार चाहे अमरपाल मौलिक बात करेंगे, क्षेत्रीय इस समय प्रभारी के रूप में काशी का देख रहे हैं, प्रदेश के महामंत्री रहे हैं, आरएसएस के प्रचारक के रूप में उन्होंने काम किया था, संगीता बलवंत की बात करेंगे तो चंदौली से विधायक रह चुकी हैं। इसी तरीके जी बिल्कुल मनीष, बिल्कुल हमने भी सुना, हमारे दर्शकों ने भी सुना कि किस प्रकार से, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे वो राजस्थान की बात हो, जो एक संदेश आलाकमान की ओर से दिया गया है, उससे बीजेपी का हर कार्यकर्ता जो है वो हर्षोल्लाहित नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए कि 7 में से 6 नाम नए हैं, जिससे ये साफ तौर पर संकेत जाता है कि जो पहले के सदस्य हैं उन्हें कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उतार कर उनकी क्षमता को भी आंका जाएगा। देखिए निश्चित तौर से आपको बता दूं कि जिस तरीके से राज्यसभा की तैयारी है, उनसे कहीं ना कहीं एक साफ संदेश जाते हुए नजर आ रहा है लोकसभा चुनाव में। जिस तरीके से हम पहले से बता रहे हैं और अभी भी फिर बता रहा हूँ कि इस बार लोकसभा की जो टिकट्स होंगे वो भी बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले होंगे। कई ऐसे प्रत्याशी होंगे जो सिटिंग MPs हैं, उनके टिकट कटने तय हैं। 40% से अधिक नए कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे और उन कैंडिडेट्स में, जिस तरीके से नवीन जैन से ये बताए थे कि आम कार्यकर्ता को राज्यसभा तक का सफर दिया गया, ऐसे ही कई विधायक हैं, कई मंत्री हैं जिनका टर्नओवर ज़्यादा हो सकता है, जिनके पास राजनीतिक करियर बहुत ज्यादा है, उनको महत्व दिया जाएगा। जो युवा चेहरे हैं उनको महत्व देते हुए नजर आएगी इस बार की भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित तौर से आप सुधांशु त्रिवेदी की बात करेंगे तो खाली वही कैसे राज्यसभा सदस्य जिनको दोबारा उच्च सदन भेजा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, आप तेजवीर सिंह की बात करेंगे, संगीता बलवान की बात करेंगे, चाहे आप अमरपाल मौर्य की बात करेंगे, चाहे नवीन जैन की बात करेंगे, ये सब नए चेहरे, ये सब ऐसे कहते हैं कोई महापौर रहा है, कोई पूर्व विधायक रहा है, कोई चेयरमैन पर्सन रहा है, कोई संगठन की तरफ से मजबूत कार्यकर्ता रहा है, प्रभारी या महामंत्री के पद उन्होंने संभाला है। तो निश्चित तौर से ऐसे कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी गई है जिनका राजनीतिक करियर ज्यादा है, एक साफ संदेश दिया गया है। राज्यसभा का चुनाव है, 7 कैंडिडेट आज यहां से नामांकन भरेंगे, उनके द्वारा नामांकन की प्रक्रिया पूरी जाएगी, उनको उच्च सदन में जाना भी तय माना जा रहा है। पर जिस तरीके से जो रणनीति आप देखेंगे, शीर्ष नेतृत्व की जो रणनीति है, उसको आप इससे जरूर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय जो लोकसभा चुनाव में, उसमें जो सिटिंग MPs हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो ये ना समझे कि उनकी सीट पक्की, क्योंकि कई नाम ऐसे चले थे जिनका दावेदारी प्रमुखता से मानी जा रही थी कि उनको राज्यसभा जरूर भेजा जाएगा।
आप देखेंगे कि जहाँ टिकट के बंटवारे जब टिकट के नामक प्रत्याशी की बात हुई तो एकदम से उलट हुआ है। ऐसे नाम थे जिनका चर्चा नहीं थी, ऐसे नाम थे जिनको चर्चा में नहीं ले गया था। तो यही चीज आपको लोकसभा चुनाव में भी देखनी पड़ेगी। उच्च सदन के प्रत्याशियों से एक साफ तौर से एक संदेश दिया गया है कि जो बिल्कुल मनीष, और कहीं ना कहीं यही एक बड़ी वजह है, एक बड़ा फैक्टर है कि बीजेपी को सरप्राइजिंग एलिमेंट माना जाता है। ये नहीं माना जाता कि जो नाम दौड़ में चल रहे हैं, जिन नामों की ज्यादा चर्चा है और इससे उलट ही कुछ होता है, हमने उन देख ही लिया, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो। लेकिन ऐसे में मनीष, ये भी जानकारी बहुत दिनों से सामने आ रही है कि बीजेपी जो है वो 8 नाम बीजेपी ने फाइनल किया था, 7 पे तो बीजेपी की जीत फाइनल मानी जा रही है, लेकिन एक नाम को लेकर, यानी कि एक नाम को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। क्योंकि अगर बात कर ले सपा की, तो सपा जो है कि वो 3 प्रत्याशी उतारेंगे ही उतारेंगे और एक कैंडिडेट को लेकर चुनाव, मतलब कि मतदान हो सकता है। देखिए आपको बता दूं कि अगर सीटों की संख्या बल के हिसाब से देखेंगे तो 37 सीटें चाहे 37 विधायक चाहिए होते हैं, आपको 37 विधायक चाहिए होते हैं एक एक राज्यसभा सीट के लिए। तो अगर संख्या बल के हिसाब से देखेंगे तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर से आप पाएंगे कि जो 7 सीटें हैं उसमें बहुत आराम से भारतीय जनता पार्टी जाती नजर आ रही, पर अगर 8वां कैंडिडेट उतारते हैं तो उनको 16 सीटें चाहिए होती है। अगर राजभर को मिला लेंगे 9 सीटें, अगर आप अरेली की मना लेते हैं 2 सीटें राजभर की मिला लेते, तब भी आपको 14 के आसपास सीटें चाहिए होती हैं, मत चाहिए होते हैं, माफ करिएगा, आपको वोट के लिए। तो अगर आप वही देखेंगे समाजवादी पार्टी की, तो उनके 3 उम्मीदवारों के लिए एक एक सीट की दरकार है। तो लोकसभा के पहले ऐसा कोई कोई असमंजस की स्थिति पैदा नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी, सेफ गेम खेलती नजर आ रही है। इसलिए उन्होंने 7 नामों का पैनल बनाया, 7 नामों के प्रत्याशी उतारे और 7 नामों को निश्चित तौर से 7 जो नाम है ये 7 राज्यसभा में जाते हुए नजर आ रहे हैं, इनमें कोई कहीं से किसी दिक्कत नहीं आएगी। यही 3 जो कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी के, वो भी आराम से अपना जीत निश्चित कर लेंगे। तो ऐसे कोई चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले ऐसी कोई स्थिति यहाँ पैदा नहीं करनी चाहिए जिसमें आपकी जो अगर इफ एंड बट होता है तो उससे आपके आने वाले लोकसभा चुनाव में कोई असर पड़े, क्योंकि 14-15 जो मत है उनको अरेंज करने में हो सकता है क्रॉस वोटिंग में आप जीत हासिल करें, पर अगर नहीं होता है तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर जो हार का ठीकरा लगेगा वो आप नहीं चाहते हैं। सेफ साइड आप चलना चाहते हैं, 7 आपकी सीट जा रही, 7 सीट आप आराम से लेके जाएंगे, उससे साफ संदेश देंगे कि इन 7 को हमने उम्मीदवार बनाया था कि हम चाहते तो 8वां बिता सकते, पर हम लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं, हम अपनी जिस संख्या बल के आधार पर ही अपना काम कर रहे हैं, और किसी भी तरीके से कोई अपनी स्थिति में या फिर कहें कि कोई गलत तरीके से हम चुनाव को नहीं करना चाहते, ये साफ संदेश जाएगा आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हम 7 सीटों पे हमारे उम्मीदवार थे, संख्या बल हमारे 7 का है, हम 7 उम्मीदवार उतारेंगे, 7 उम्मीदवार को जी बिल्कुल 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 मनीष, आप नजर बनाए रखिएगा, आपके पास लौटते हैं।